मथुरा के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर द्वारकाधीश महाराज के मंदिर में शनिवार को दर्शन के दौरान अज्ञात लोगों ने माट विधायक राजेश चौधरी की सास के गले से जंजीर पार कर दी। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, तो वहीं द्वारकाधीश मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम द्वारकाधीश मंदिर में सिविल लाइन निवासी माट विधायक की सास कुसुम चौधरी अपनी परिचित सचिता भारद्वाज के साथ बाजार में खरीदारी करने के लिए आई थीं। इस दौरान वह दर्शन करने के लिए द्वारकाधीश मंदिर भी गईं, जहां पहले से ही सक्रिय 3 पुरुष 2 महिलाओं ने श्रद्धालुओं के रूप में दर्शन करते समय उनके साथ धक्का मुक्की कर दी। इसी दौरान वहां मौजूद महिलाओं ने कुसुम चौधरी के गले से सोने की जंजीर पार कर दी, जबकि उसका पैंडल जमीन पर ही गिर गया। इसी बीच दूसरी महिला ने सचिता भारद्वाज के गले से भी जंजीर काटने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें जल्द ही इस बात का एहसास हो गया और उनकी जंजीर टूटने से बच गई। इस दौरान महिलाएं भीड़ का फायदा उठाकर मौके से रफू चक्कर हो गईं। इस घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस आनन फानन में CCTV फुटेज को खंगालने में जुट गई। इस दौरान हुई बातचीत में माट विधायक राजेश चौधरी की सास कुसुम चौधरी और उनके साथ आई महिला सचिता भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया, ये हम मार्केट आए थे तो फिर हमारा मन बन गया कि दर्शन कर आए हम, तो दर्शन करने के लिए आए हम यहाँ। दर्शन करने के लिए खड़े थे तो वो दर्शन करके जैसे ही हम निकल लेते भीड़ में और चैन तोड़ दिए। कहाँ की बात है? ये द्वारकाधीश मंदिर की, ये 6:35 के करीब है। मैं और आंटी आए थे, कुसुम चौधरी आंटी, दर्शन के लिए आए हम। जैसे हम वहाँ पे कोई भीड़ नहीं थी, तभी 2 महिला और 3 पुरुष एक सब अचानक से आए और कोनी मारना शुरू कर दिया उन्होंने, है ना। मैंने आंटी से बोला भी, आंटी ऐसा ना चैन ना कट जाए हमारी, तो आंटी ने तो दुपट्टे से ढक लिया। मैंने भी जैसे ही उसने कोनी मारी आगे से, तो एकदम उसने मेरी चैन काटी, तो मैंने पकड़ ली, तो मेरी तो बच गई, मतलब टूटी हुई मेरे हाथ में आ गई। और जैसे ही मैं थोड़ी सी आंटी के पास गई, तो आंटी बोली मेरी भी चैन कट गई, और आंटी की तो ले गए और बस लॉकेट रह गया आंटी के पास और चैन ले गए। कैसे लोग थे, क्या लग रहा है? 5 लोग थे, 2 महिला थी, 1 महिला पे बच्चा था, पति पत्नी थी, ऑरेंज साड़ी पहन रखी थी, एक ने पीली पहन रखी थी, और 3 लड़के से थे, गांव के से।